किदां ठीक ठाक हो सारे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल विस्कीपीडिया पे। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों, आज इस वीडियो में रिव्यू करेंगे ऑल न्यू शिवस रिगल 12 का। जी हां, जैसे कि आप सबको पता ही है कि मार्केट में नई शिवस रिगल 12 आ गई है। पहले इसका बॉक्स सिल्वर कलर का आता था, लेकिन अब सब कुछ चेंज हो गया है। देखते हैं कि क्या इसका टेस्ट वैसा ही है या फिर टेस्ट में भी कोई बदलाव आया है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप लीकर से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ या फिर रिव्यूज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, शिवस रिगल 12 का ऑलरेडी रिव्यू हम अपने चैनल पे कर चुके हैं, जिस वीडियो में मैंने आपके साथ कंपनी की लेगेसी के बारे में शेयर किया था और हिस्ट्री के बारे में बताया था कि कैसे ये ब्लेंड मार्केट में आया है। जी हाँ, आज इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ इस नई बॉटल की, नए डिज़ाइन की, और देखेंगे कि क्या इसके टेस्ट में भी फर्क आया है या नहीं। दोस्तों, ये पर्नोरिको कंपनी का प्रोडक्ट है। सबसे पहले जो सबसे मेजर चेंज हुआ है वो हुआ है बॉक्स में। जी हाँ, आप सबको पता ही है कि पुराना बॉक्स सिल्वर कलर में आता था, लेकिन अब वाइट, रेड और वाइन कलर का इन्होंने यूज़ किया है। अगर मैं अपनी बात करूं तो पर्सनली मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन और ये कलर देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले वाला भी अच्छा था, लेकिन ये ज़्यादा आई कैचिंग है, जल्दी से नज़र जाती है कि भाई ये कौन सा ब्रांड है। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव इन्होंने बना दिया है। साइड पर काफ़ी बड़ा बड़ा शिवस रिगल 12 यहाँ पर लिखा है। अब ये जो 12 है, ये इसकी ए स्टेटमेंट है। ए स्टेटमेंट क्या होती है? किसी विस्की को कितनी देर तक बैरल्स में रखा गया है, वो इसकी ए स्टेटमेंट होती है। ये ब्लेंड है मॉल्ट विस्की का और ग्रेन विस्कीज का, और जितनी भी विस्कीज इसमें ब्लेंड की गई हैं उनको मिनिमम कम से कम 12 साल तक एज करवाया ही गया है। हो सकता है 15 साल वाली भी इसमें डाली हो, 18 साल वाली भी डाली हो, लेकिन 12 साल से नीचे कोई भी विस्की आपको इसमें नहीं मिलेगी, जो कि एक ए स्टेटमेंट को दर्शाती है। तो दोस्तों, बॉक्स तो देखने में काफ़ी अच्छा है। 750 ml की बॉटल है, 750 ml की, 43% इसमें अल्कोहल स्ट्रेंथ है। जी हाँ, 40% नहीं है, 43% इसमें अल्कोहल स्ट्रेंथ है। 2500 रुपये 2500 की लुधियाना पंजाब में आपको मिल जाएगी। तो ये तो थी बॉक्स की बात, अट्रैक्टिव है, देखने में काफ़ी अच्छा है। तो चलिए जल्दी से अपनी बॉटल बाहर निकालता हूँ और दिखाता हूँ नई बॉटल कैसी है। तो दोस्तों, ये है ब्रांड न्यू शिवस रिगल 12। बॉटल देखने में बिल्कुल चेंज हो गई है। जी हाँ, पहली बॉटल छोटी थी, थोड़ी मोटी थी, लेकिन ये अब लंबी बॉटल कर दी है। काफ़ी ब्यूटीफुल है, हाथ में पकड़ने में भी काफ़ी इजी है। पहले वाली थोड़ी बेल शेप, थोड़ी घंटी की शेप में आती थी, लेकिन अब थोड़ी सी लंबी कर दी है। ऐसा क्यों किया है? कंपनी का कहना है कि ये शेप चेंज करने के पीछे ग्लास कटिंग है। ये बॉटल ग्लास की है, शीशा लगा है इसमें, कांच लगा है, तो कांच उन्होंने कम कर दिया है। और कंपनी कहती है कि ये करने से 1000 टन कांच वो बचा पाएगी। जी हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली बॉटल डिज़ाइन उन्होंने कर दिया है। अगला चेंज जो उन्होंने किया है, ये सील आप देख रहे हो, ये जो सील है कैप के ऊपर है, इसके ऊपर आपको एक कोड मिलेगा। जी हाँ, एक कोड लिखा हुआ है LKXR6712। यही सेम कोड आपको ये बैक पे, ये स्टिकर पे मिलेगा, LKXR6712। तो ये दर्शाता है कि ये जो सील है, ये कंपनी की लगी हुई सील है, इसको दोबारा से रिफिल नहीं किया गया। तो ये काफ़ी अच्छी, एक छोटा पॉइंट है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है देखने के लिए कि क्या आपकी जो विस्की है वो जेन्युइन है या फिर आपको एक दोबारा से रिफिल की गई बॉटल मिली है। तो बॉटल भी देखने में काफ़ी अच्छी है, बहुत प्यारी है, 750 ml की है। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं, ग्लास में डालते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कि ये पीने में कैसी है। तो चलिए, टाइम आ गया है नोजिंग और टेस्टिंग का। अपना ग्लास मैं यहाँ रख लेता हूँ, बॉक्स को थोड़ा साइड पे रखते हैं, अभी इसका काम नहीं है। तो पहले अपनी बॉटल की सील ओपन करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है जिसको हम पुल करेंगे, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। तो दोस्तों, ये है कैप शिवस रिगल 12 का, सेम पहले जैसा कैप ही है। तो चलिए ओपन करते हैं, प्लास्टिक का कैप है ये।
दोस्तों इसमें हमें ऊपर सिक्योरिटी नोजल मिलती है, बिल्कुल ओपन नहीं है, प्लास्टिक की सिक्योरिटी नोजल है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो चलिए इसको पोर करते हैं। दोस्तों जितनी देर तक हमारी स्कॉच ओपन होती है, कुछ डिटेल्स बॉक्स के पीछे मेंशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो इसमें कलर ऐड किया गया है। जी हाँ, ये इसका नेचुरल कलर नहीं है, इसमें कलर मिलाया गया है। उसके बाद इसको दो तरह के कास्क में मैच्योर किया गया है, एक शेरी कास्क है और दूसरा बर्बन कास्क है। तो इसमें दो कास्क का यूज़ किया गया है और मेन सिंगल मॉल्ट जो इसमें यूज़ की गई है वो है सस्थ्राइला, जो कि एक काफ़ी अच्छी काफ़ी पॉपुलर सिंगल मॉल्ट है और शिवस रीगल की वो जान भी बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा वो टेस्ट प्रोवाइड करती है शिवस रीगल को। तो चलिए अब इसकी लेग्स देख लेते हैं, इसकी डेंसिटी देख लेते हैं कैसी है। कलर ठीक है, कलर मतलब इतना ज़्यादा डार्क नहीं है, इतना ज़्यादा लाइट भी नहीं है, एक अच्छा कलर है। हालांकि इसमें कलर मिलाया गया है लेकिन बहुत ज़्यादा रेशियो में नहीं मिलाया गया। लेग्स की बात कर ली जाए तो मीडियम से थोड़ी सी थिक लेग्स इसकी बन रही हैं, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है लेकिन मीडियम से थिक की तरफ जा रही है। तो चलिए नोजिंग करते हैं। चीयर्स। ऑन द नोज वेरी फ्रूटी, बिल्कुल भी अल्कोहल की बाइट नहीं है, 43% है लेकिन बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रही है। सम फ्रेश फ्रूट्स मैं बोलूँगा इसमें, एप्पल्स, रेड एप्पल्स आपको मिलेंगे, हनी का काफ़ी अच्छा अरोमा इसमें आ रहा है, हल्की हल्की फूलों की भी नोजिंग इसमें आ रही है। तो जो नोजिंग है ना बहुत अच्छी है, बहुत प्लेजेंट है, स्मोक वगैरह मुझे इसमें नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी स्मोकी नहीं लग रही नोज के ऊपर। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं कि टेस्ट में ये क्या प्रोवाइड करती है। चीयर्स। वेरी स्मूथ, वेरी बटरी, वेरी क्रीमी, हल्की सी ओक की टैनिन से एक मैं बोलूँगा एक बिटरनेस आती है, वो आ रही है, कड़वापन नहीं है, एक ओक को जैसे बार 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 यूज़ किया जाता है तो उसमें से एक बिटरनेस आती है वुड में से, लकड़ी में से, तो वो आप फील कर पाओगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। कैरमल का काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है, बटर स्कॉच का काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है, बिल्कुल भी स्मोकी नहीं लग रही, मिठास में है, मीठी है, ये स्मोकीनेस इसमें आपको नहीं मिलेगी। हल्का हल्का बनाना जैसे होता केला, उसका टेस्ट मुझे इसमें मिल रहा है, हनी का टेस्ट मुझे इसमें मिल रहा है, जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा है और जो फिनिश है वो भी मीडियम से थोड़ी ज़्यादा है, एकदम से फेडवे नहीं हो रही अभी तक, जो टेस्ट है मुझे वो मिल रहा है भाई, मुझे पीने में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। लास्ट टाइम जब मैंने शिवस सीगल 12 पी थी तो मुझे वो ज़्यादा बिटर लग रही थी, उसमें ज़्यादा ग्रेन विस्कीज का यूज़ लग रहा था, लेकिन ये ज़्यादा स्मूथ लग रही है, ये इसमें मॉल्ट की रेशियो मुझे थोड़ी लग रहा है कि उन्होंने बढ़ाई है, क्योंकि वो एक मिठास, वो मॉल्टीनेस इसमें मुझे मिल रही है। जो लोग स्वीट विस्कीज मुझसे पूछते हैं, भाई शिवस रीगल 12 ये वाली ट्राई करो, मज़ा आ जाएगा, मीठी है, शहद जैसी है, मुझे पीने में काफ़ी अच्छी लगी। आप में से किस किस ने ये ट्राई किया है वो नीचे कमेंट करके बता सकता है। 2500 में बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी स्कॉच है, जी हाँ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।